में रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एमएसपी की पूर्ण रूप से गारंटी दो, गारंटी दो, गारंटी दो। सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे किसानों की ये तस्वीरें सोनीपत लघु सचिवालय की हैं, जहां किसानों ने सरकार के खिलाफ लंबित पड़ी मांगों को लेकर एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। किसानों ने नारेबाजी करते हुए सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान जो वादे किए थे उनको अभी तक पूरा नहीं किया गया है। एमएसपी गारंटी कानून पर कमेटी बनाने का वादा किसानों से किया था, लेकिन अभी तक ये कमेटी नहीं बनाई गई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए सरकार को अल्टीमेटम दिया है, और अगर सरकार ने उनकी मांगे पूरी नहीं की तो 31 जुलाई को देश भर के सभी नेशनल हाईवे चक्का जाम रहेंगे। इस मुख्य मांगों में हमारी मांग है कि जो इकबालपुर मिल में किसानों का 40 करोड़ रुपए बकाया है वो तुरंत किसानों को दिया जाए, और जो खेदड़ गांव में जो पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज किया एक किसान की मौत होगी, किसानों को मुआवजा दिया जाए, और जितने भी किसानों पर झूठे मुकदमे लगाए गए सारे मुकदमे रद्द हों, और जो टूल टैक्स है किसानों आम आदमियों से ज़बरदस्ती वसूला जाता है सभी टूल टैक्सों को हटाया जाए, और जो सोनीपत शुगर मिल है उस शुगर मिल की अच्छे तरीके से रिपेयरिंग करके समय पर चालू किया जाए, और इस तरीके से हमारी जो अग्निपथ योजना है उस योजना को रद्द किया जाए, ताकि जो युवा है वो बेरोजगारी ज़्यादा है और युवाओं का जो भविष्य है वो संकट में जाने से बच जाएगा। इसलिए हम मांग करते हैं अग्निपथ योजना रद्द हो, और जो अग्निपथ योजना का जो आंदोलन था उसमें युवाओं पे जितने भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं सभी मुकदमे वापस हों। आगे किस तरह की रणनीति बनाएंगे? आगे हमारी रणनीति ये है कि जो पुलिस प्रशासन का आंदोलनकारियों को लेकर रवैया है, इस रवैये को और जो सरकार की देश के मजदूरों, किसानों और मेहनत कश लोगों के प्रति जो भयंकर नीतियां सरकार बना रही है उस नीतियों से देश बर्बाद होने के कागार पे जा रहा है, उन नीतियों के खिलाफ हम गांव-गांव में जाके जागरूकता करेंगे और एक बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे, और जो संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल 31 तारीख को चक्के जाम की उस कॉल का समर्थन करके रोड जाम करेंगे। कि भाई एक तो MSP का सवाल है, पुलिस केसेस का सवाल है, हमारे शुगर मिल सोनीपत का उसका एक्सटेंशन का सवाल है, क्योंकि गन्ना ज़्यादा होता है पिड़ाई होती नहीं और गर्मी में तंग होते हैं किसान, और जो यूपी में हमारे जो 40 करोड़ रुपया बकाया है जो हमें इलाहाबाद हाईकोर्ट से केस जीत भी चुके हैं वो अभी तक हमारे पैसों का भुगतान नहीं हुआ। मुख्यमंत्री महोदय जो है मुरथल गांव आए थे, वहाँ वायदा करके गए थे, आज तक तो पूरा हो नहीं लिया। तो एक वो मांग है, और भी हमारी लोकल मांगें ढेर सारी हैं, और हमारा फिर ये है कि भाई जो संयुक्त किसान मोर्चे की 3 जुलाई को ऑल इंडिया लेवल की मीटिंग हुई थी उसमें ये प्रोग्राम बनाए हैं कि भी आप 18 तारीख से 31 तारीख तक का, मतलब MSP का सवाल है जिसको सरकार ने कहा था कि भी हम एक कमेटी बनाएंगे, हमने नाम भी दे दिए, कमेटी अब तक बनाई नहीं, टाल मटोल कर रहे हैं। दूसरा बिजली भी 2021 उसको अभी पार्लियामेंट में रखने जा रहे हैं, केस अभी हरियाणा में तो कुछ वापस हो गए लेकिन और जगह है नहीं अब, तो ये हमारी मांगे हैं। और उसके बाद अग्निपथ जो स्कीम आई है, मतलब ये हमें तो ऐसा लगता है क्योंकि अधिकतर किसानों और मजदूरों के बच्चे ही आर्मी में जाते थे, हमारे हरियाणा से 5,000 से 7,000 हर साल जाते थे आर्मी में, तो अब ऐसा लगता है जैसे किसानों से बदला लेने के लिए ये अग्निपथ स्कीम लेके आए हैं, ताकि भाई किसानों से बदला ले सकें, उनके बच्चों को उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ना चाहते हैं। तो लेकिन ये हम एकजुट हैं और ये मांगे हैं हमारी, भाई ये अग्निपथ स्कीम जो है इसको ख़त्म करें, और फिर 31 तारीख को हमने राष्ट्रीय जो राजमार्ग हैं इन मांगों को लेकर उनको रोकेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर। और हमने 2 पॉइंट चिन्हित किए हैं, एक तो खलखोदा टोल टैक्स है और एक ये बगान का जो टोल है GT रोड पर, इनको 11 बजे से लेकर और 3 बजे तक इन पर हम कोई वाहन नहीं चलने दें। सोनीपत लघु सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यकर्ता सचिन व श्रद्धानंद सोलंकी ने किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों का ये 2 दिवसीय धरना आज से ही शुरू हो गया है। किसानों की मांग है कि सरकार MSP की गारंटी कानून दे। किसान आंदोलन अग्निपथ योजना के विरोध में आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमा रद्द किए जाएं। इकबालपुर हरिद्वार शुगर मिल में किसानों का बकाया केंद्र सरकार जल्द से जल्द रिलीज करे। देश भर में जो टोल टैक्स सरकार ने खोल रखे हैं उनको बंद किया जाए। खेदड़ में किसानों पर दर्ज छूटे मुकदमे सरकार जल्द से जल्द रद्द करे, और शहीद किसानों के परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दी जाए। सरकार ने जो अग्निपथ योजना युवाओं को लेकर लाई गई है उसे वापस लिया जाए।
वहीं किसान नेता सदानंद सोलंकी ने कहा कि सरकार दया कर ही हमारी मांगे नहीं मानी तो 31 जुलाई को हम सभी नेशनल हाईवे चक्का जाम कर देंगे और ये चक्का जाम 11 बजे से लेकर 3 बजे तक रहेगा। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।